हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन। तो एक इसमें कॉम्प्रिहेंशन आएगा। एक्चुअली इसमें मैंने दो बनाए हैं, तो दोनों के ही क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा टाइटल है कॉम्प्रिहेंशन का, जैक्स बर्ड हाउस। जैक वॉन्ट्स टू बिल्ड अ बर्ड हाउस। तो जैक किसी का नेम है, तो वो क्या बनाना चाहता है, एक बर्ड हाउस बनाना चाहता है। ही गेट्स सम वुड, उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी करी। ही गेट्स सम नेल्स, कील एंड पेंट, और उसने कुछ पेंट, तो जो जो चीजों की जरूरत थी, वुड की, नेल्स की और पेंट, उसने वो सामान अपना कलेक्ट करा है। हिज मॉम हेल्प्स टू, उसकी मॉम ने भी उसकी हेल्प करी है। शी गेट्स अ सॉ एंड हैमर, तो उसने उसको एक सॉ दिया और एक हैमर दिया उसकी मॉम ने। शी गेट्स अ पेंसिल एंड रूलर, और उसको पेंसिल दी और रूलर दिया मेजरमेंट के लिए। जैक्स ड्रॉज हिज बर्ड हाउस, दे बिल्ड इट टुगेदर, उन्होंने साथ मिलके बनाया ये। देन दे हैंग इट अप इन अ ट्री, फिर उन्होंने उसको एक ट्री पे टांग दिया। अ बर्ड गोज इन टू द बर्ड हाउस, पहले एक बर्ड आई जो बर्ड हाउस में गई। अ सेकेंड बर्ड गोज इन, अ थर्ड बर्ड गोज इन, अ फोर्थ बर्ड गोज इन। तो फोर बर्ड्स तक के बारे में इन्होंने बताया है कि चार बर्ड उस बर्ड हाउस में चली गई। जैक एंड हिज मॉम लुक एट ईच अदर, तो जैसे भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं, हम दो कोई नहीं, दो लोगों ने या दो से ज्यादा लोगों ने मिलके उस पे मेहनत करी होती है, तो देख के हम बहुत खुश होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जैक एंड हिज मॉम लुक एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को देखा, मतलब अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो रहे थे। दे नीड अ बिगर बर्ड हाउस, तो उन्होंने रियलाइज करा कि उन्हें बड़ा हाउस चाहिए, बड़ा बर्ड हाउस बनाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें और बर्ड आ नहीं सकती, फोर बर्ड ही आ रही हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में बच्चों को फिल द ब्लैंक्स की फॉर्म में दिए जाते हैं या ऑप्शंस दिए जाते हैं, ताकि उनको बहुत ज्यादा हार्ड ना लगे, वरना फिर बच्चे थोड़ा सा वो जाते हैं कि हम पूरा आंसर कैसे लिखेंगे। तो इसलिए पहले स्टार्टिंग में बच्चों को हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में और ऑप्शंस, जैसे चार ऑप्शन दे देते हैं एमसीक्यू टाइप से, तो उस तरह से ही दीजिए अगर आप घर पे बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। देन आगे चल के पूरे क्वेश्चन आप दे सकते हैं, जिसमें उनको आंसर में पूरा सेंटेंस लिखना होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक क्या है, व्हाट डज जैक वॉन्ट टू बिल्ड, ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ बर्ड हाउस। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा आपके पास, व्हाट डज जैक वॉन्ट टू बिल्ड। अगर फिल इन द ब्लैंक्स या इस टाइप से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपको आंसर में क्या लिखना होगा, ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ बर्ड हाउस या जैक वॉन्ट्स टू बिल्ड अ बर्ड हाउस। हु हेल्प्स हिम, हमें पता है उसकी मॉम ने उसकी हेल्प करी थी, हिज मॉम हेल्प हिम। वेयर डज ही पुट द बर्ड हाउस व्हेन ही इज डन, उसने कहां पर वो हैंग करा था, ट्री पर हैंग करा था, तो हम यहाँ पे ट्री लिख देंगे, ही हैंग्स इट इन अ ट्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट डज जैक यूज टू मेक हिज बर्ड हाउस। आपने ध्यान दिया होगा जब मैं आपको ये कॉम्प्रिहेंशन रीड करा रही थी, तो जो जो भी सामान की जरूरत थी, उस सबको अंडरलाइन करते जा रही थी। तो वही इस टाइप के क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं कि क्या क्या उसने यूज करा। तो ये आंसर थोड़ा सा वेरी कर सकता है, कुछ बच्चे पहले वुड लिख देंगे, कुछ पेंट लिख देंगे, कुछ हैमर लिख देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं है। ये सारे वर्ड्स जो हमने पहले भी पढ़े हैं कॉम्प्रिहेंशन में, ये सारे वर्ड्स आपको लिखने हैं। अब नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। तो इसका टाइटल है प्लेइंग कैच। केट एंड हर ब्रदर जेक, तो यहाँ पे दो नाम दे रखे हैं, केट एंड जेक, लाइक टू प्ले कैच, तो बॉल कैच करने का इनको गेम बहुत पसंद है दोनों को। दे प्ले विथ सॉफ्ट बॉल्स, फुटबॉल्स एंड टेनिस
टेनिस बॉल्स, तो वो सॉफ्ट बॉल से खेलते हैं, कैच करते हैं, फुटबॉल्स को कैच करते हैं, टेनिस बॉल को कैच करते हैं। दे टॉस द बॉल्स बैक एंड फोर्थ इन द यार्ड ऑल द टाइम। समटाइम्स दे गो टू द पार्क टू हैव सम मोर स्पेस फॉर थ्रोइंग द बॉल्स फार्थर। व्हेन इट इज रेनिंग आउट दे प्ले कैच इन द बेसमेंट। जब बाहर बारिश हो रही होती है तो वो अपने बेसमेंट में कैच वाला गेम खेलते हैं। दे यूज अ टेनिस बॉल बिकॉज इट बाउंसेस ऑफ ऑफ द बेसमेंट वॉल्स। ब्लैक इज गोइंग टू सॉकर कैंप फॉर अ वीक दिस समर। केट इज सैड बिकॉज शी वोंट हैव एनीवन टू प्ले कैच विथ वाइल ही इज गॉन। तो केट थोड़े इस टाइम अपसेट है कि उसके साथ कोई खेलने के लिए नहीं है जब तक उसका ब्रदर वापस नहीं आ जाता। द वीक बिफोर जेक लीव्स दे गो टू द पार्क टूगेदर। देयर इज अ गर्ल टॉसिंग अ बॉल इन द एयर बाय हर सेल्फ। केट एंड जेक इनवाइट हर टू प्ले विद देम। हर नेम इज ब्रूक। केट इज हैप्पी नाउ दैट शी हैज अ न्यू फ्रेंड टू प्ले कैच विद व्हाइल हर ब्रदर इज एट कैंप। तो केट अब खुश है कि उसको एक नई फ्रेंड मिल गई है। जब तक उसका भाई कैंप से वापस नहीं आता तो इस टाइम वो ब्रूक के साथ खेल सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, बट यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से ही हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। व्हाट डू केट एंड जेक प्ले कैच विद? तो इसका आंसर तो बॉल्स है। व्हाट टाइप डू दे यूज टू प्ले कैच ऑन रेनी डे? टेनिस बॉल्स। वेयर डू केट एंड जे गो द वीक बिफोर ही लीव फॉर कैंप? द पार्क। हु इज टॉसिंग अ बॉल? तो ब्रूक कर रही थी पार्क में। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों को थोड़ी आसानी। पहले उनको कॉम्प्रिहेंशन को समझना जरूरी है तो तभी वो आंसर कर पाएंगे। कोई जल्दबाजी ना करें बच्चों के साथ। सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में से ये स्टार्ट हो जाता है, छोटे छोटे कॉम्प्रिहेंशन कराए जाते हैं बच्चों को। सबकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबके काफी बनाए हुए हैं। आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लिंक पे जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।